हे अधित्यांश, कैसे हो आप सब। सो अधित्यांश, आज अगर तुम आप सब बच्चे होंगे एंड मजे में होंगे अधित्यांश। सो आज का हूँ एक और नई कंफर्म अपडेट लेके। अपडेट क्या होने वाली है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अधित्यांश, हमारे अरिजीत दादा का एक सॉन्ग कंफर्म हो चुका है एंड मे बी एक वीक के अंदर वो सॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, मैं किस सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, किस मूवी की बात कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सो अधित्यांश, यहाँ पर एक मूवी आने वाली है ओम, जो कि आदित्य रॉय कपूर की होने वाली है, जिसे आप जानते हैं आशी टू में जो थे एंड अरिजीत दादा के जिनके साथ सॉन्ग आए थे, ठीक है। सो वो आदित्य कपूर रॉय है, उनकी मूवी आने वाली है ओम। एंड गाइज, ये जो मूवी है इसमें हमारे अरिजीत दादा का सॉन्ग होने वाला है। एंड मैं किस बेस पर कर रहा हूँ आपको वीडियो के लास्ट में सबूत मिल जाएगा, प्रूफ के तौर पर आप उसे देख लेना, एंड मेरे पास दो सबूत है। एंड इसके अलावा गाइज, इस जो मूवी है इसमें जो बात करें हम म्यूजिक की, तो इसमें आरको ने म्यूजिक दिया है, इसके अलावा अमजाद नदीम ने भी म्यूजिक दिया है एंड चिरंतन भट्ट ने म्यूजिक दिया है, जिसे आप जानते हैं उसका इब्राना सॉन्ग कंपोज किया था विद अरिजीत दादा के साथ, ठीक है। सो ये थी म्यूजिक के बारे में। एंड इस मूवी के लिरिक्स होने वाले हैं वो लिखे कुमार ने, मनोज यादव ने एंड एम तुराज ने। सो गाइज, बहुत से अधित्यांश कह रहे हैं कि जो सॉन्ग आने वाला है वो चिरंतन भट्ट के साथ आने वाला है एंड इसके अलावा जो लिरिक्स होने वाले हैं वो मनोज सर ने लिखे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो चिरंतन भट्ट है उनका सॉन्ग आ चुका है, अभी फिलहाल आया था सांसें देने आना। एंड इसके अलावा बात करें, उस सॉन्ग को लिखा था मनोज यादव ने। एंड बात करें जो दो सॉन्ग आ चुके इस मूवी से एंड एक सॉन्ग और है, उस सॉन्ग को जो गाया था देव नेगी ने एंड उस सॉन्ग कंपोज किया था अमजाद नदीम ने, ठीक है। एंड लिरिक्स दिया है कुमार ने। ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अब ये सब करने के बाद जो यहाँ पर म्यूजिक कंपोजर बचते हैं वो आरको ही हैं, उनका सॉन्ग इस मूवी से नहीं आया है। एंड इसके अलावा जो लिरिक्स बचते हैं वो एम तुराज के बचते हैं, ठीक है। सो आप सोच रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस यही दो बचते हैं जिनका सॉन्ग अभी तक नहीं आया है। एंड मे भी हो सकता है किसी कंपोजर के दो सॉन्ग हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है अरिजीत दादा का सॉन्ग आरको सर के साथ ही आएगा एंड जिस सॉन्ग को लिखा होगा एम तुराज ने, ठीक है। एंड लेबल आप जानते हैं जी म्यूजिक कंपनी होने वाला है। सो अधित्यांश, प्रूफ आपको वीडियो के लास्ट मिल जाएगा, जहां पर दिनेश अधित्यांश है उन्होंने पूछा था जी म्यूजिक कंपनी से एंड उन्होंने कहा था यस सॉन्ग होने वाला है एंड कमिंग सून, बहुत जल्दी आएगा सॉन्ग, वीडियो के लास्ट में आप देख लो आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक अधित्यांश ने और पूछा था, उनका नाम मैडियस, उनके चैनल का नाम है एंड उन्होंने पूछा था एंड दोनों का मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। सो अधित्यांश, ये थी पहली अपडेट एंड प्रूफ जरूर देखना, वीडियो के लास्ट में है एंड मे बी एक वीक के अंदर सॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो अगली अपडेट है वो रक्षाबंधन मूवी से होने वाली है, जो कि अक्षय कुमार की आने वाली है 21 जून को। अभी फिलहाल कल इस मूवी का ट्रेलर आ जाएगा एंड देखते हैं ग्लिम्पस मिलती या नहीं मिलती हमारी अरिजीत दादा की। एंड सॉन्ग कंपोज किया हिमेश रेशमिया ने एंड लिरिक्स आप जानते हैं इरशाद कामिल ने सॉन्ग को लिखा है, ठीक है। सो गाइस, ये थी दूसरी अपडेट। एंड इसके अलावा जो अगली अपडेट होने वाली है वो होने वाली है दिल को मैंने दीख सम सॉन्ग से, उसके 100 मिलियन व्यूज हो चुके हैं अब जस्ट अभी हुए हैं। सो अधित्यांश, ये थी तीसरी अपडेट। सो अधित्यांश, आशा करता हूँ आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना एंड प्रूफ आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू अधित्यांश, वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।